स्पेशली आज हम लोग घड़ी में टाइम बताना सीखेंगे, यानी कि घड़ी में समय कैसे बताते हैं। बात यह है कि बड़ा ईजीएस्ट है, लेकिन जैसे मान के चलो कि दो बजे तो हम लिख देंगे 2 o'clock, ठीक है, 2 बजे तो हो गया। 3 बजे तो 3 बजे भी हम कर देंगे 3 o'clock, चलो ये भी ठीक है। तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे ये कर देंगे, ओ क्लॉक कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन बात जब आएगी 2:15 बजे तो हमको दिक्कत महसूस होने लगती है, 2:15 बजे हम क्या लिखें। तो कुछ लोग लिखते हैं 2:15 और इसी को आप चाहो तो 2:15 o'clock कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया 2:15। अच्छा, किसी ने ऐसा भी कर दिया, वो लिख देगा 15 minutes past 2 लिख दो या 2 o'clock कर दो। तो बात यह है कि ये बंदा दो तरह से लिखा तो समझ में नहीं आया, और कहीं कहीं लिखा रहता है 2 p.m. या 2 a.m. तो ये भी हमको समझ में नहीं आता। तो ये क्या है कि अगर मान को चलो कि 2:15 कम है तो फिर उसका अंग्रेजी कैसे होगा। तो इन सारे चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन तो नहीं है, लेकिन अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि भाई कितने बजे हैं, तो पता चलता 2 बजे तो आप बता दिए, 2:15 बजे में दिक्कत हो गई। आप 3 बजे तो बता दिए, लेकिन 2:45 बजे में दिक्कत हो गई। तो इसको हम लोग देख लेना। और PM क्या है, तो P का मतलब होता है पोस्ट मेरेडियम, ठीक है। और AM का मतलब होता है एंटी मेरेडियम। अब ये मेरेडियम क्या होता है, मेरेडियम का मतलब होता है आधी रात। तो आधी रात का मतलब पोस्ट मतलब होता है पहले, यानी कि आधी रात से जो पहले होता है, यानी कि मान के चलो कि इतनी टाइम, अगर मान लो 2 बज रहा है, कल्पना करो आप 2 बज रहा है दिन में, तो ये जो आधी रात आएगा उसके पहले वाला है ना, तो उसके पहले का मतलब PM हो जाएगा। कब तक, यानी कि 12 बजे तक। और एंटी मेरेडियन का मतलब आधी रात से बाद का मतलब कि आज जो रात होगा उसके बाद 12 बजे तक जो रहेगा AM रहेगा एंटी मेरेडियन। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आई होगी। बात हम करेंगे घड़ी पर। अगर ये घड़ी है और इस घड़ी में मान के चलो यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, ठीक है। तो आप ध्यान दोगे तो घंटे वाली घड़ी यहाँ है, मिनट वाली यहाँ है, तो इसका मतलब कितना बज रहा, 3 बज रहा है, तो आप 3 o'clock कह दोगे। लेकिन ये घड़ी मान के चलो कि यहाँ पर आ गई ऐसे मिनट वाली सुई, तो ये कितना हो गया, 10 मिनट हो गया ना, और 10 मिनट ये क्या हो गई, बीत गई, यानी कि पास्ट हो गई। तो जब कुछ बज के कुछ मिनट हो तो वहाँ हम पास्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पास्ट लिखते हैं। और जब कुछ बजने में कुछ कम हो तो हम 2 लिखते हैं, यानी कि बज कर तो पास्ट, और बजने में कम रहेगा तो 2 प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और बज कर कुछ मिनट हुआ है तो हम लिखेंगे पास्ट। जैसे अब देखो, जैसे मान के चलो 3:10, तो अगर ट्रांसलेशन करना है 3:10 हुआ है, तो 3:10 हुआ है, तो इसका मतलब इट इज़ को आप इट्स बोल सकते हो, इट इज़। अब पहले मिनट लिखोगे, यानी कि 10 मिनट्स
टेन मिनट्स, ये बीत गया है ना, तो आप पास्ट लिख दोगे, बात खत्म। टेन मिनट पास्ट, और तीन बजना, तीन बजने को थ्री ओ क्लाक लिखते ही हो, तो टेन मिनट्स पास्ट यहाँ लिख दोगे थ्री ओ क्लाक, खत्म हो गया बवाल, है ना। अगर मान लो तीन बजकर बारह मिनट हुआ है, तीन बजकर बारह मिनट हुआ है तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ बारह मिनट लिख दो, यानी कि ट्वेल्व, ट्वेल्व मिनट्स। अब बारह बज के बारह मिनट हुआ है ना, तो यहाँ लिख दो पास्ट, पास्ट तीन बजकर, यानी कि पास्ट थ्री ओ क्लॉक, पास्ट थ्री ओ क्लॉक। तो ये जितना बज के रहेगा उतना लिख दोगे। अभी सवा का, साढ़े का, पौने का भी देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो, देखो यहाँ पर घड़ी बना देते हैं, एक घड़ी 12 3 6 9, इस घड़ी में हम बजाएंगे, ये यहाँ पे हम बजाएंगे इसमें 4:15, ठीक है, 4:15, ठीक है। दूसरी घड़ी में हम बजाएंगे 12 3 6 9, और इसमें हम बजाएंगे, इसमें बजाएंगे हम 4:30, ठीक है, 4:30 बजाएंगे। और एक घड़ी और बताएंगे, तो इसमें जो है 12 3 6 9, इसमें हम बजाएंगे 4:45, ठीक है, ये 4:45 बजाएंगे। तो अब देखो इसको हम कैसे जानेंगे, जब ज़्यादा रहेगा ना तो आप पास्ट कर दोगे, लेकिन जब सवा रहे, साढ़े रहे, पौने रहे, तो इसको कैसे करते हैं, आप यहाँ देखो। चलो मान लो कि कोई चीज़ है, एक यहाँ पर मान लो एक बाटल है, ठीक है, ये बाटल जो है अगर हम यहाँ से काट दें तो ये हो जाएगा हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ, और इधर का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर मान लो फिर हम इसको काटें तो ये हो जाएगा क्वार्टर, क्या हो जाएगा, क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 भाग, हाफ का मतलब होता है 1/2। तो कहने का मतलब ये है कि जब सवा पर आएगा कोई भी, तो इसका मतलब क्वार्टर वो बढ़ाना, यानी कि जो घड़ी होता है वो 60 मिनट में जब आप 15 मिनट जाओगे, तो 15 मिनट क्या हुआ, क्वार्टर हुआ कि नहीं हुआ, क्वार्टर हुआ। और 30 मिनट जब जाओगे तो क्या हुआ, हाफ हुआ कि नहीं हुआ, तो हाफ हुआ। तो अब 3:15 को आप दो तरह से लिख सकते हो, जैसे मान के चलो कि 3:15 बजा है, 3:15 बजा है, ठीक है, 3:15 बजा है, यानी 3:15 हो गया है। तो अगर किसी ने लिख दिया इट इज 15 minutes पास्ट, देखो जब कुछ बज के होगा ना तो आपको पास्ट लगाना है, और यहाँ 3:00 लिख ही देना है, तो आप लिख दोगे यहाँ 3 भी केवल लिख सकते हो ऐसे, या चाहो तो 3:00 लिख सकते हो, 3:00 लिख सकते हो, तो भी आप बिल्कुल सही हो। लेकिन अगर मान लो किसी ने ऐसे लिख दिया इट इज क्वार्टर, और यहाँ पास्ट लिखेगा, क्यों पास्ट लिखेगा, क्योंकि जो क्वार्टर है ना, यानी कि जो 1/4 है, वो क्या हुआ है, बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, तो क्वार्टर पास्ट, और यहाँ लिख देगा 3:00। तो क्या ये गलत है कि सही है, तो आप कहोगे नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि सही है, क्योंकि 15 मिनट को उसने क्वार्टर लिख दिया। अब दूसरा देखो, 3:30 बजा है, तो आप लिखोगे इट इज़, अब कितना बीता है, तो आप कहोगे हाफ बीता है, घड़ी का पूरा हाफ बीता है, और हाफ के बाद आप क्या लगाओगे, पास्ट लगाओगे, हाफ पास्ट, और यहाँ लिख दोगे 3:00।
हाफ पास्ट 3 o'clock। तो ये चीज़ समझ में आई। अगर यहाँ देखो, यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ 4:45 है। आप दो तरह से दिखा सकते हो। आप दिखा सकते हो कि 4:45 हुआ है, 4:45 हुआ है, 45 मिनट हुआ है, 4:45 हुआ है। तो आप क्या लिखोगे? इट इज 45 मिनट को आप कैसे लिखोगे? 45 मिनट्स, 45 मिनट्स। अब ये 45 क्या हो रहा है? पास्ट हो रहा है, तो आप पास्ट लिख दो। 45 मिनट्स पास्ट कितना? 4:00 ना, पास्ट 4 o'clock हो गया। अगर मान लो किसी ने दूसरे तरह से लिखना चाहा, वो कहा कि 4:45 नहीं हो रहा है, बल्कि 5:15 कम है, तो फिर वो कैसे होगा, इसको देखते हैं। देखो 4:45 है, 4:45 है, किसी ने कहा 4:45 हो रहा है, ये वाला। तो अब क्या है कि किसी ने कहा 4:45 है, किसी ने कहा कि 5:15 15 मिनट कम है, 15 मिनट कम है, 5:15 कम है। तो आप कहोगे इट्स, यानी कि इट इज़ कितना कम है? 4:45 आप बोल रहे हो, तो 4:45 का मतलब क्या हुआ? 15 मिनट कम है। और 15 मिनट को क्या बोलते हो आप? क्वार्टर बोलते हो। अब ये कम है कि ज़्यादा है? तो आप कहोगे कम है, तो कम के लिए आप 2 लिख दो, ठीक है। अब कितने बजने में? 5, तो 1:45, 5 o'clock, 5 o'clock। ये कामा है, यहाँ पर कामा लगाया जाता है, ठीक है, 5 o'clock हो गया। अगर कहा कि नहीं 5:15 कम है इसका बनाओ, तो आप कहोगे इट इज 15 मिनट्स, इट इज 15 मिनट्स टू 5 o'clock। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अगर मान लो, अगर यही कोई कहे कि नहीं 5:06 कम है, कितना? 5:06 कम है, 6 मिनट कम है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे इट इज 6 मिनट्स। क्या कहोगे? 6 मिनट्स, 6 मिनट्स। अब ये 6 मिनट क्या कम है कि ज़्यादा हो रहा है? 5:06 हो रहा है कि 5:06 कम है? तो आप कहोगे 6 मिनट कम है, तो आप 2 लगा दो ना, बात ख़त्म हो गई। 6 मिनट्स टू 6 o'clock। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से घड़ी में आप पूरा कितना भी बजा हो, जैसे मान के चलो किसी ने कहा कि भैया 2:01 हो रहा है, 2:01 हो रहा है, तो आप कहोगे इट इज 1 मिनट। ये करोगे, मिनट्स नहीं करोगे, यहाँ ध्यान देना है। इट इज 1 मिनट, क्योंकि 1 है तो यहाँ यस या यस नहीं लगेगा। इट इज 1 मिनट। अब ये बजकर हो रहा है ना, 2:01, तो यानी कि यहाँ पास्ट आप करोगे, पास्ट 2 o'clock। अगर यही कहे भैया 2:01 1 मिनट कम है, तो कम आ गया ना, तो आप लिखोगे इट इज 1 मिनट, इट इज 1 मिनट। अब ये 2 करोगे आप, यहाँ बजकर हो रहा है तो पास्ट और कम है तो 2 o'clock। तो ऐसे में आप क्वार्टर, पास्ट
और कम ज़्यादा, ये दोनों आपने देख लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया भी होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।